नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार कार्ड में नाम DOB कैसे चेंज करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड में नाम DOB चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना आधार कार्ड में सही तरीका से नाम DOB चेंज करना है। दोस्तों ये वीडियो 11 मिनट का होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो 11 मिनट का होगा। 11 मिनट के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में नाम और DOB अपडेट कर सकते हैं मोबाइल से, और कितना पैसा आपको लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे, और कैसे अपडेट होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा नाम को अपडेट करने के लिए, DOB अपडेट करने के लिए। दोस्तों आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या आपका आधार कार्ड में जन्म तिथि कम करना है या ज़्यादा करना है तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ये वीडियो 11 मिनट का होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, तभी आपका काम हो पाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को स्किप करके देख लेंगे और कमेंट कर देंगे कि वीडियो फेक है। तो मैं इन लोगों से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं तो आप कैसे अपडेट करेंगे अपना DOB और अपना नाम। तो इसलिए आपके पास टाइम है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए क्या क्या तरीका है, क्या आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या स्टेप है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है अपने मोबाइल में, उसके बाद आपको सर्च करना है आधार कार्ड। जैसे आप आधार कार्ड टाइप करेंगे आपके सामने UID का वेबसाइट आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई आधार का दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले नंबर पर माई आधार है और दूसरे नंबर पर भी माई आधार है। तो आपको आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम अपडेट करने के लिए ये दो नंबर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये दो नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं इस तरीके का एक पेज खुला है, लेकिन यहाँ पे जो दो ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे जो है आपको इसमें से दोनों में से किसी एक पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने पहले नीचे वाले पर क्लिक किया तो किसी और पेज पर गया, अब ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर वाला में क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये कभी ऊपर नीचे आते रहता है तो दोनों में ट्राई करना है, ठीक है। दोनों में किसी एक पे आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा जिसमें आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, ये माई आधार का, इसी से आपका काम होगा, ठीक है। वेलकम टू माई आधार का जो ऑप्शन आ जाएगा तो आपको यहीं से काम होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर काम कैसे अपडेट होगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन करने का, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड में नाम जन्म तिथि जिस आधार कार्ड में आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसका आधार नंबर और कैप्चा कोड देकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP यहां पर इंटर करेंगे और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहां पे हमारे पास एक आधार कार्ड है, उसका हम आधार नंबर इंटर कर लेते हैं, सारी चीज़ भर लेते हैं, लॉगिन करके आगे आपको दिखाते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और इधर आपका फ़ोटो भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस अपडेट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एड्रेस अपडेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम अपडेट आप लाइफ में दो बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट लाइफ में आप एक बार कर सकते हैं, जेंडर अपडेट एक बार कर सकते हैं, और एड्रेस लिमिट जो है अनलिमिटेड है, मतलब एड्रेस आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस अभी भी अपडेट हो रहा है ऑनलाइन, यहाँ पे आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन DOB अभी अपडेट नहीं हो रहा है और नेम अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये सही तरीका कैसे होगा। अब यहाँ पर ये बंद सरकार क्यों किया है, यानी कि UID के पोर्टल पर इसको बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन आप खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये चालू था, ये जब ऑन था, जब ये अपडेट हो रहा था तो किसी का डॉक्यूमेंट से कोई भी नाम अपडेट कर देता था, जन्म तिथि अपडेट कर देता था, और UID के तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज हो रहा था, ठीक है। इसी की वजह से इसको जो है UID हटा दिया गया है। तो अब कैसे करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिसयूज होने के कारण जो है खुद से अब आप नेम अपडेट नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या है वही हम आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको पिता का नाम अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, तो आप खुद से अभी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या था कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का जन्मतिथि, किसी का
बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के और फर्जी जो है डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पे अपलोड कर देता था, समझे। मतलब फर्जी यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी जो है डॉक्यूमेंट बना करके नाम अपडेट किया जाता था, यहाँ पे जन्म तिथि अपडेट किया जाता था। इसीलिए ये फैसिलिटी को यहाँ से बंद कर दिया गया है। तो कैसे सही तरीका से अपडेट होगा, तो हम आपको एक नया तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने आधार कार्ड में DOB और नाम अगर चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये तरीका UID के पोर्टल पे ही दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको कट करते हैं और आपको नया तरीका बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम गूगल में सर्च करेंगे आधार कार्ड और सेम पोर्टल यही रहेगा वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको भाषा सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप समझते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पोर्टल खुलेगा UID का, ये वेबसाइट है, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा गेट आधार है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए लिस्ट में दिया गया है, आप नेम अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपने नज़दीकी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, आपके नज़दीकी जो भी पड़ता है आप यहाँ पे अपना नज़दीकी एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आसपास में जो भी रहेगा आपका, तो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और नया पेज खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम अपडेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल नंबर और कैप्चा दे करके आपको जेनरेट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और जेनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा, OTP देके आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। OTP देने के बाद आप वेरीफाई करेंगे और जिस आधार कार्ड में आप नाम या DOB अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, उसका नाम एंटर करेंगे और आपके पास एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो डॉक्यूमेंट HOF फैमिली हेड ऑफ का है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको HO लेंगे तो HO पे सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट नेम, सिटी नेम और सेवा केंद्र, यहाँ पे देखिए हम सिटी ले लेते हैं बिहार और स्टेट सिटी लेते हैं यहाँ पे हम पटना के आसपास में है और सेवा केंद्र यहाँ पे आस पटना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर और नेम टाइप करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर नाम टाइप कर लेते हैं। नाम टाइप करने के बाद दोस्तों अपने आधार में क्या चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर में ऑप्शन आपको मिलेगा नेम का, जेंडर का, ठीक है। तो मैं वीडियो के टाइटल में ही आपको बताया था, तो हम नेम क्या इस पर टिक करेंगे, उसके बाद जेंडर पर टिक करेंगे और जो नया नाम आप रखना चाहते हैं आप नया नाम टाइप करेंगे और जेंडर आप सेलेक्ट कर देंगे आप अपना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं सुबोध कुमार, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना, मेल फीमेल आप जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और नेम प्रूफ नेम यानी कि नाम प्रमाण पत्र जो आप इसके साथ में लगाना चाहते हैं उसका नाम आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे कि इसके साथ में हम क्या देंगे, जैसे कि देखिए ऑप्शन है यहाँ पे UID फॉर्मेट NOC, उसके बाद आता है ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, ठीक है, और भी है जैसे कि इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक हो गया, मार्कशीट हो गया आपका, देखिए मार्कशीट सर्टिफिकेट बोर्ड जो कि आपका एजुकेशन बोर्ड होता है, 10वीं का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड भी यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पे आप जो है अपना राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपका वोटर कार्ड भी है, लास्ट में दिया हुआ वोटर कार्ड है। तो दोस्तों सबसे आसान होगा वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, किसी एक आपके पास होना चाहिए जिसमें नाम आपका सही हो और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है जो हमें प्रूफ देना है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन संबंधित में आप किसको इसमें बनाना चाहते हैं, जैसे कि फादर, हस्बैंड, मदर, वाइफ, अगर आपके फादर का प्रूफ है तो फादर का आधार कार्ड का यहाँ पे आधार नंबर और नेम और संबंधित, जैसे कि यहाँ पे संबंधित प्रमाण पत्र फादर का भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो है अपना एक प्रूफ देना है जो कि आप नाम चेंज कर रहे हैं या DOB चेंज कर रहे हैं, उसका साथ में क्या लगाना चाहते हैं आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद हेड ऑफ़ फैमिली, फैमिली में आप फादर का अपना आधार कार्ड ले लेंगे, ठीक है। तो फादर का आधार नंबर यहाँ पे नेम, और आप फादर का भी यहाँ पे आधार नंबर ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या राशन कार्ड में पिताजी का नाम है तो यहाँ पे राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड पीडीएफ राशन कार्ड हो गया, या लेबर कार्ड आपका है, मनरेगा कार्ड हो गया, लेबर कार्ड या जन आधार कार्ड हो गया आपका। उसके बाद आता है पेंशन सर्टिफिकेट, पेंशन वाला है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद मार्क सर्टिफिकेट, यहाँ पे पिताजी का अगर आपका है तो दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट हो गया, और यहाँ पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और यहाँ पे है डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए डेथ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। इतने सारे दिया हुआ है तो हमारे हिसाब से यहाँ पे आप राशन देंगे, राशन कार्ड दे देना, नहीं तो आप नरेगा कार्ड हो गया, जॉब कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया, ये सब में से कोई भी एक कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फादर का आपको जो है फादर का सेलेक्ट करना है, संबंधित में फादर का आधार नंबर, फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रूफ क्या लेंगे तो आपको ये वाला प्रूफ और यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे दोनों प्रूफ का जीरोक्स आपको लेना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितने तारीख को आप जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक डेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्लॉट में आपको एक डेट लेना होगा कि किस तारीख को आप जो है विजिट करना चाहते हैं। तो हम 28 को सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 10 से 11 के आसपास में जाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए किस एड्रेस पे आपको जाना है, तो 28 तारीख को फ्राइडे जुलाई को 10 बजे साढ़े 10 बजे हमको जाना है, 10:30 बजे 11 बजे तक, ठीक है। 10:30 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक जाना है, ये एड्रेस आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा एड्रेस आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर आपका अपना एड्रेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये रिसीविंग आपको मिलेगा, इसको आप जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे, और यहाँ से आपको जो है पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे बता रहा है कि जो मैंने फादर का डिटेल अभी सबमिट नहीं किया, तो फादर का नेम हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा डिटेल, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने फादर का डिटेल टाइप कर लिया, अब यहाँ पे ऑनलाइन आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा, तो ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पेयू सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जो भी आपका फैसिलिटी। यहाँ पे आपको जो है टोटल 50 रुपया और 42 रुपया GST और 7 रुपया, यानी टोटल जोड़ करके आपको जो है 1780 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आपको पेमेंट कर देना है। दोस्तों जो पेमेंट करेंगे आप यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा पेमेंट करने के बाद आपका जो एड्रेस दिखा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यस कैंसिल, और आपको हम दिखाते हैं, इसको बैक करते हैं नो यस। दोस्तों पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका जो एड्रेस शो किया था उस एड्रेस पे आपको उसी डेट को जाना है, और उसी टाइम में उसी डेट को जाना है आपको, आपका पिताजी का प्रूफ लेकर के अपना प्रूफ लेकर के जाना है, और वहाँ पे वेरिफिकेशन आपका होगा। वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम चेंजिंग हो जाएगा, तो आप नाम चेंजिंग के लिए जो प्रूफ लगाएंगे उस प्रूफ का जीरोक्स लेना है आपको, और पिताजी का आधार कार्ड और पिताजी का जो प्रूफ लगाएंगे उसका जीरोक्स लेकर जाना है। और पेमेंट तो आपने पहले ही कर दिया है, तो सिर्फ उस डेट को आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, प्रूफ जा करके देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सही तरीका यही है दोस्तों। हालांकि ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन कोई ऐसा तरीका है नहीं, सिर्फ आप पिताजी का नाम और एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। नाम और DO भी चेंज करने के लिए आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा।